जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर हमारे देश में रह तो रहे थे, किंतु उन्हें नागरिकता नहीं मिल रही थी, और इसलिए अपने आप को कहीं न कहीं वे आत्मग्लानि में महसूस करते थे। अनेक बार अनेक राजनीतिक दलों ने वादे किए, वोट बैंक बनाया, उनको डराकर उनसे वोट बैंक वोट लिए, पर उन्हें नागरिकता मिले इस बारे में किसी भी राजनीतिक दल ने सार्थक प्रयास नहीं किए। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वे जहां भी गए उन्होंने कहा कि हम सीएबी लाएंगे, सीएबी के माध्यम से इस देश में रहने वाले वे नागरिक जो हमारे पड़ोसी देशों के अंदर प्रताड़ित होकर धार्मिक कारणों से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए पड़ोसी देश छोड़कर हमारे देश में आकर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे थे, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान देने का काम मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया है, अपने वचन को निभाया है, और मैं समझता हूं ये जैसे ही बिल पारित हुआ वैसे ही इस देश के वे राजनीतिक दल जो धर्म निरपेक्षता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते, तुष्टिकरण की राजनीति करते, उनके चेहरे बेनकाब हुए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो टीएमसी। अमित शाह जी ने एक एक पार्टी की पूरी जन्मपत्री लोकसभा में और विधानसभा में रखी। उन्होंने बताया कि यही वो कांग्रेस है जिसके मुख्यमंत्री राजस्थान के ये पत्र लिखते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि हिंदू और सिख जो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं उन्हें नागरिकता देना चाहिए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 18,000 सिख और हिंदुओं को नागरिकता दी गई, उस समय मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी गई। फिर ये भी तथ्यों के आधार पर अमित शाह जी ने बताया कि हमको मुस्लिम विरोधी कहने वाले राजनीतिक दल ये देख ले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे मुस्लिम जो वास्तव में नागरिकता के हकदार थे उन्हें नागरिकता देने का काम हमने किया, हम यदि मुस्लिम विरोधी होते तो हम क्या नागरिकता देते। और इसलिए यह बिल पास होने के बाद वे सारे राजनीतिक दल के चेहरे बेनकाब हो गए जो धर्म निरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे, वो गुमराह कर रहे थे कि ये मुस्लिम विरोधी है। अरे भाई, इस बिल के अंदर मुस्लिम विरोधी क्या है ये तो बताएं, किसी की नागरिकता समाप्त हो रही है क्या? हम तो नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, और इसलिए जब नागरिकता देने का काम कर रहे हैं वहां पर किसकी नागरिकता प्रभावित हो रही है इससे? तो कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तरीके से देश की जनता को गुमराह कर रहा था, पर कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने 2 घंटे के प्रभावशाली भाषण में सारे राजनीतिक दलों को बेनकाब कर दिया, सबका दोहरा चरित्र सामने ला दिया, और ये सब पार्लियामेंट के संदर्भ शाखा से लाकर उन्होंने बताया कि 4 अगस्त 2005 को पश्चिमी बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता जी, जो कि उस समय सांसद थी,
सीपीएम की सरकार थी, सीपीएम की सरकार जब पश्चिम बंगाल में थी तब ममता जी ने लोकसभा में घुसपैठियों के खिलाफ सीपीएम पर आरोप लगाया था कि घुसपैठियों को प्रवेश दिया जा रहा है। वह रिकॉर्ड पार्लियामेंट को बताया और यह दोहरा चरित्र कि जब वो मुख्यमंत्री बनती है तो उन सब घुसपैठियों के समर्थन में ममता जी खड़ी होती है, वोट बैंक के खाते तुष्टिकरण की नीति के कारण।